हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडिशा स्कूल क्लासेस। तो आज क्लास रे तुम्हार अनुशीलनी वन सी रे 15 नंबर टू करवा जोड़ा कि तुम ज्योमेट्री आम करूँ आ प्रीवियस क्लास रे तुम्हार 13 नंबर आ 14 नंबर आम कर सारी सहित तुम जब चाहूँ तुम अनुशीलनी वन ए वन बी ए सब भी क्लास देखापी तुमको आम चैनल क्लास मिल जाटा कि चैनल को जी चैनल गोटे प्ले लिस्ट अच्छी 10th क्लास ज्योमेट्री। तो से प्ले लिस्ट ओपन कले तुमको सब क्लास मिल जाए तुम जिते भी उपवाद अच्छी जहाँ भी तुम अनुशीलनी वन ए रु सब नंबर तो तुम सब क्लास पाई ठीक अच्छे। तो आज आम 15 नंबर टू कर नबा तो क्लास स्टार्ट करिबा। ताहले देख 15 नंबर क्वेश्चन कौन दे 15 नंबर क्वेश्चन दे त्रिभुज एबीसी रा एबी ओ बीसी बाहु उपरे यथाक्रमे एक्स ओ वाई बिंदु अवस्थित। ताहले मैं तुमको कहीथिली तुम क्वेश्चन पढ़िबा तो चित्र करदेव जहाँफल तुमको क्वेश्चन बुझापाई सुविधा हे। ताहले प्रथमे आमे कौन करिबा त्रिभुज एबीसी गोटे अंकन करदेबा। ताहले मुँ एबे गोटे त्रिभुज एबीसी अंकन ये करदेली ठीक अच्छे। तापर देजे ए बी आउ बी सी बाहू उपर यथाक्रमे एक्स आउ वाई बिंदु अवस्थित। ताहले आपको ना देदेबा एटा को देदेली मु ए तापर एटा को आमे बी देदेबा आउ एटा को सी देदेबा ठीक अच्छे। तापर जो देजे ए बी उपर आमर को बिंदु एक्स बिंदु अवस्थित तो ए बी उपर गोटे बिंदु आम एक्स नहीं गले तापर बी सी उपर गोटे बिंदु आम वाई नहीं गले ताहले ए बी सी उपर आम गोटे बिंदु वाई नहीं गले ठीक अच्छे। ताहले तापरे क्वेश्चन देचे जेपरिकी एक्स वाई समांतर बीसी माने ए जो एक्स वाईटा बीसी सहित समांतर हबा बोली आमको क्वेश्चन ने दत्त देचे किंतु देखो आमे जदी एबे एक्स वाई को जोड़ीबा सेटा हमर एससी सहित समांतर हो जाउची किंतु एटी क्वेश्चन देचे जे बीसी सहित समांतर हबो। ताहले देखो एठी तमरो क्वेश्चन ने टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि माने तमरो क्वेश्चन ने टिके भूल अछि तो से देख यहाँ तुम जो बी सी देखा तुम बी सी नईकिटा तुम कौन हम यहाँ तुम हम एससी हम ठीक अच्छे। तुम बही रे क्वेश्चन ने टिके भूल अच्छे यहाँ तुम एबी आउ एससी बाहू हम एबे तुम देख एबी आउ एससी बाहू करदे आम क्वेश्चन ठीक ठाक हो जाऊँगी केमी देख। ताहले देख ये जो एससी बाहू पर आम जदि एबे वाई बिंदु नहीं जा मानने ये आम वाई बिंदु नहीं जा जोड़ा कि आमको आम क्वेश्चन चेंज होगापर आम एससी बाहू पर आम वाई बिंदु ने देख ताहले एबे आमर एक्स वाई समांतर बीसी जाऊँगी जदि आम ये जो एक्स वाई की जोड़ा तो ये जो एक्स वाईटा आम बीसी सहित समांतर हो जाऊँगी बुझिपार ताहले एठी आमर वाई की लिभे दियो कहीं तुम क्वेश्चन रे टिके भूल दे देछि जोड़ा कि तुम बीसी नहीकि एससी हम बुझिपार। ताहले क्वेश्चन बुझिपार तापर दे प्रमाण करवाई त्रिभुज एबीसी रो मध्यमा एडी माने आमको गोटे एडी अंकन करिया को पड़ो जोटा कि एडी आमर कौन हम एडी आम अंकन करदे एडी एक्स वाई की समधिखंड करे माने ये जो एडीटा आम अंकन कले ये जो एक्स वाई की से समान भाग रे दी भाग करिवो आमको प्रमाण करिया को पड़ो क्वेश्चन बुझिपार। तो आम कौन दत्त प्रामाण्य तो यही सब लेखि नवा ताहले आम एबे दत्त लेखि नबा। ताहले दत्त रे कौन लेखिबा मते कह जहाँ हमको क्वेश्चन ने देइछि तो सही सब लेखि दबा लेखिबा जे त्रिभुज ए बी सी रो कौन जहाँ हमको कौन देइछि ए बी आउ ए सी बाहु उपरे यथाक्रमे एक्स ओ वाई बिंदु अवस्थित तो सेटा लेखि दबा त्रिभुज ए बी सी रो ए बी ओ ए सी उपरिस्थ दुईटी बिंदु किए किए एक्स ओ वाई तो दुईटी बिंदु होउछि हमर एक्स ओ वाई तापर आमको देइछि कौन एक्स वाई समांतर बीसी तो यहाँ भी आमको दत्त देइछि एक्स वाई समांतर बीसी बुझिपारला। तो तापर प्रामाण्य लेखि नबा प्रामाण्य आमको कौन देइछि प्रामाण्य आमको देइछि जे ए जो एडीटा एक्स वाई के समद्विखंड करिवो बोली आमको प्रामाण्य रे देइछि आमको प्रमाण करिया पई देइछि तो सेटा लेखि दबा एडी एक्स वाई को समद्विखंड करे बा समद्विखंड करिबो बोली आमको प्रमाण करिया को पड़िबो। ताहले तापरे आमे प्रमाण करनबा तो सेतिपई मन दे कि देखो आमे केमिति प्रमाण करुचे ठीक अच्छे। ताहले देखो आमे प्रथमे दुईटी त्रिभुज नहीं जीवा को दुईटी त्रिभुज नबा आमे नहीं जीवा त्रिभुज ए बी डी नहीं जीवा आउ नहीं जीवा त्रिभुज ए एक्स एटा गोटे ये आम ना दे दियो जोटा कि ये आम इ ना दे दियो ठीक अच्छे।
जोटा कि आम दुईटी त्रिभुज को नहीं जीबा ए बी डी त्रिभुज आउ ए एक्स इ त्रिभुज को नहीं जीबा बुझिपार ताले सेटा लिखी दिया आमर त्रिभुज ए बी डी ओ त्रिभुज ए एक्स इ रे ताले एबे मते कह आमर ये जो त्रिभुज ए बी डी आउ त्रिभुज ए एक्स इ रे आमर ए एक्स इ कोण माने ए एक्स वाई कोण बा ए एक्स इ कोण तुम्हें जहाँ भी कहपार माने ए कोणटा यही कोणटा आमर यही कोण सागे सामान हम कि ना कहीं सामान हम कहीं जेहेतु एक्स वाई सामांतर बीसी ए दुईट कोण होती आमर कि कोण अनुरूप कोण जेहेतु अनुरूप कोण आमर सामान तो सेटा एबे आमे लेखि नबा जोटा कि आमर एक्स इ त्रिभुज कोण ए एक्स इ कोण तापर सेमती त्रिभुज ए बी डी रे होची ए बी डी कोण तो सेटा लेखि दिया आमर कोण ए बी डी सामान कोण ए एक्स इ कहीं सामान है सेटा भी ब्राकेट रे लिखिदेव जोटा कि अनुरूप कोण बुझिपारे आमर पुणी यही कोण सागे एपट कोण सागे एपट कोण भी सामान हम कहीं ए दुईट भी होंगे आमर अनुरूप कोण जेहेतु एपट दुईट अनुरूप कोण है आ सागे यहाँ भी अनुरूप कोण हम मानने ए इ एक्स कोण सागे आमर ए डी बी भी सामान हम तो सहीटा भी आमर लिखिदि जोटा कि कोण ए डी बी सामान कोण ए इ एक्स सेटा भी होंगे आमर से कौन से अनुरूप कोण जेहेतु आमर एक्स वाई सामांतर बीसी आमको दत्ता दे तो ये सब अनुरूप कोण होपर आम लिखिपर अते त्रिभुज ए बी डी सदृश त्रिभुज ए एक्स इ आमर कोको सदृश सर्त अनुजाई कोको सदृश सर्त अनुजाई आमर ये दुईट त्रिभुज सदृश बोली आम कहीपर बुझिपारे जेहेतु आमर ए दुईट त्रिभुज आमर सदृश हो गला तो आम कहीपर जो मानकर अनुरूप बाहु सामानुपातिपर माने कम लिखुची देख जोटा कि इम्प्लाइज दैट ए एक्स बाय ए बी इक्वल टू एक्स इ बाय बी डी आम कहीपर जोटा कि एक्स इ बाय बी डी बुझिपारे पर स्टेप देख इम्प्लाइज दैट ये जो एक्स बाय ए बी की सेमती रख जोटा कि ए एक्स बाय ए बी इक्वाल टू ये एक्स इ की भी सेमती रख एक्स इ बाय एठी किंतु देख ये जो बी डी जगार ये जो बी डीटा कौन आमर बी सी अधा जेहेतु आमर त्रिभुज ए बी सी मध्यमा माने ए डी माने मध्यमा कौन करे मध्यमा बी सी को समधिखंड करथाय माने मध्यमाटा आमर बाहु को सामान दि भाग भाग करथाय ताहले आमर बी सी अधा बी डी आउ सी डी माने बी डी आमर जेतिकी सी डी भी होची सेतिकी बुझिपारच ताहले ए जो बी डी जगार आम हाफ बी सी लिख पारिबा तो सेटा लिखि दियो हाफ बी सी बुझिपारल कि नाही हाफ बी सी कोठु आसला देख आमर बी डी प्लस सी डी जे केते बी सी कि नाही बी डी प्लस सी डी होची आमर बी सी ताहले इम्प्लाइज दैट बी डी प्लस ए जो सी डी जगार आम बी डी लिखिपर कहीं आमर बी डी जी सी डी से कि नाई तो से आम सी डी जगार बी डी लिखिपर तो इक्वाल टू होगा आमर बी सी तो इम्प्लाइज दैट टू बी डी आमर के टू बी डी है बी सी ताहले एबे मते कह ए बी डीटा के बी डीटा आमर टूटा एपटू को पलैसा हाफ बी सी हो बुझिपार बी डी आमर केमी हाफ बी सी है तेल ये बी डी जगार आम हाफ बी सी से लिखीचे तेल यहाँ बुझिपार हाफ बी सी कौटू आसला तेल मुझे लिभोचे तेल तापर स्टेप आम कौन करवा मत कह जोटा कि यहाँ आमर है हाफ बी सी तापर स्टेप देख इम्प्लाइज दैट ए एक्स बाय ए बी इक्वाल टू आमर यहाँ जो अच्छी एक्स इ अच्छी ए एक्स इ रे आम हाफ को लेकिन गुणी दबा एक्स इ सांगे रे आमर हाफ टा हरी कि अच्छी ना माने एक्स इ बाय हाफ अच्छी बाय हाफ बी सी अच्छी तो आम कौन करवा ना एक्स इ सांगे हाफ को लेकिन उपरे हाफ टा जदि आम उपर को नहीं जा गुणी हो जा एक्स इ सांगे तो सेटा आमर हो टू एक्स इ बाय बी सी हो कि नाई हाफ टा आम उपर को नहींगले उल्टी जब आईटा टू हो तो सही आमर हो गला टू एक्स इ बाय बी सी तो यहाँ को दे दियो आमर इक्वेशन वन दे दियो बुझिपार जो स्टेप भी बुझिपार न पचारि पार कमेंट बॉक्स रे ठीक अच्छे ताहले देख तापर स्टेप आमर कौन करवा ना आम आउरी दुईट त्रिभुज ना आमर त्रिभुज ए एक्स वाई की नवा आउ कौ त्रिभुज नवा ए बी सी को नवा ए दुईट त्रिभुज को आम नवा तो सेटा मुझे लिखुच देख त्रिभुज ए एक्स वाई ओ त्रिभुज ए बी सी रे
ତାହେଲେ ଏବେ ମୋତେ କୁହ, ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମର ଏଇ କୋଣ ତ ଏଇ କୋଣ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଏଇ କୋଣଟା ବି ଆମର ଏଇ କୋଣ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁରୂପ କୋଣ। ଆର ଅନୁରୂପ କୋଣ ହେଉଛି ଇଏ ଆଉ ଆର ଅନୁରୂପ କୋଣ ହେଉଛି ଇଏ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଲେଖିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖ ତା ପର ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଏଇପଟେ କରିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲେଖିଦିଅ, ଯେହେତୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ୱାଇରେ ଆମର କୋଣ ଏକ୍ସ ୱାଇ, କୋଣ ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମାନ କୋଣ ଏ ବି ସି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ଅନୁରୂପ କୋଣ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ କୋଣ ସାଙ୍ଗେ ବି ଏଇ କୋଣ ସମାନ, ମାନେ ଏ ୱାଇ ଏକ୍ସ, ଏ ୱାଇ ଏକ୍ସ ସମାନ ଏ ସି ବି, ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଆମର କେଉଁ କୋଣ, ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଆମର ଅନୁରୂପ କୋଣ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଏବେ ସଦୃଶ୍ୟ, ଆମର କୋକୋ ସାଦୃଶ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲେଖିଦିଅ, ଅତେବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି, ଆମର କୋକୋ ସାଦୃଶ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ସମାନୁପାତି ବୋଲି କହିପାରିବା, କହିପାରିବା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଲେଖିଦେବା, ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଏକ୍ସ ଏ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବାଇ ବି ସି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ସମାନୁପାତି ହୋଇଗଲେ, ମାନେ କ'ଣ ଏ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବାଇ ବି ସି, ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନୁରୂପ ବାହୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ସମାନୁପାତି ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ଦେଇଦିଅ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁକୁ କମ୍ପେୟାର୍ କର, ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁରୁ ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି ଏକ୍ସ ବାଇ ଏ ବି, ଏଠି ବି ଅଛି ଏକ୍ସ ବାଇ ଏ ବି, ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ, ଏଠି ଅଛି ବି ଆମର ଏକ୍ସ ବାଇ ଏ ବି ଅଛି, ଏଠି ବି ଆମର ଏକ୍ସ ବାଇ ଏ ବି ଅଛି, ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମର ଏକ୍ସ ବାଇ ଏ ବି ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଏକ୍ସ ବାଇ ଏ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ବାଇ ବି ସି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇ ବାଇ ବି ସି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ସମାନ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ତ ସେଇଟା ଲେଖିଦିଅ, ଟୁ ଏକ୍ସ ଇ ବାଇ ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବାଇ ବି ସି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏପଟେ ବି ବି ସି ଅଛି, ଏପଟେ ବି ବି ସି ଅଛି, ତ ଆମର ବି ସି ବି ସି କଟିଯିବ। ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ବାହାରିଲା ଟୁ ଏକ୍ସ ଇ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଆମର ବାହାରିଲା, ବାହାରିଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏକ୍ସ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ଟୁ ଏପଟକୁ ନେଇଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ହେଇଯିବ ଆମର ହାଫ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ମାନେ ଏକ୍ସ ୱାଇର ଅଧା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସ ସି। ତାହେଲେ ଆମର ଏବେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟା ଏକ୍ସ ୱାଇକି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ ସିଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସ ୱାଇର ଅଧା, ମାନେ ଆମର ଏକ୍ସ ସି ଯେତିକି ଇ ୱାଇ ବି ସେତିକି, ଆମର ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟା ଏକ୍ସ ୱାଇକି ସମାନ ଭାଗରେ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛି ବୋଲି ଆମର ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା। ତ ଏବେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିଦେବ, ଦେଖ ତା ପର ଷ୍ଟେପ୍, ଆ ପର ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କରି ନେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିବ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, କ'ଣ ଲେଖିବ, ଲେଖିବ ଯେ ଇ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସ ୱାଇର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସେଇଟା ଲେଖିବ ଇ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସ ୱାଇର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ ଲେଖିବ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଯେ ଏ ଡି ଏକ୍ସ ୱାଇକି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଛି, ତା ଯେଉଁଟାକି ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦେବା ଆମର ପ୍ରମାଣିତ, ବୁଝିପାରିଲ? 15 ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ବି। ତମେ କେବଳ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନେଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ, ସେଥିରୁ ଅନୁରୂପ ବାହୁକୁ ସମାନୁପାତି କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନେଲେ, ସେଥିରୁ ବି ଆମେ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିକି ତାର ଅନୁରୂପ ବାହୁକୁ ସମାନୁପାତି କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଆଉ 2କୁ କମ୍ପେୟାର୍ କଲୁଣୁ ଆମର ବାହାରିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି? ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତ ତାପରେ ଆମେ 16 ନମ୍ବର କରିନେବା। ତ ତାପରେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଯାହାକି ଦେଇଛି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଏ ଡି ଏକ ମଧ୍ୟମା ଓ ଏ ଡିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଇ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିଦେଉଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ମୁଁ ଏଠି ଅଙ୍କନ କରିଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଏ ଡି ଏକ ମଧ୍ୟମା। ତାହେଲେ ଏ ଡି ଅଙ୍କନ କରିଦିଅ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟାକୁ ନାଁ ଦେଇଦିଅ ଏ, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ ବି, ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ ସି। ଏ ଡିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଇ, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଏ ଡିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପୁଣି ଆମକୁ ଇ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ନାଁ ଦେଇଦେଲି ଇ ଦେଇଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ଦେଇଛି ଯେ ବି ଇ ରଶ୍ମି, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବି ଇ ରଶ୍ମି ଏସିକୁ ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବି ଇ ରଶ୍ମିଟା ଆମର ଏସିକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଗୋଟେ ରଶ୍ମି, ଏଇଟା ଏସିକୁ ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଯେ ବି ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3EX, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବି ଇଟା ହେଉଛି ଆମର 3EX ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଦତ୍ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ତ ଏଇସବୁ ଲେଖିନେବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା।
तो दत्ता लिखि नियो। दत्ता आमको क्वेश्चन ने जहाँ देखा लिखिद जोटा कि लिखिद त्रिभुज ए बी सी रे ए डी मध्यमा तापर आउ कौन दे होटा को लिखिद ओ ओ इ हूँ आमर एडी मध्यबिंदु तापरे प्रामाण्य लिखिद आमको प्रमाण करा इक्वाल टू थ्री एक्स तो सेटा लिखिद बी इक्वाल टू थ्री एक्स ताल एटी आमको अंकन करा पड़ो अंकन कले जाए प्रमाण कर ठीक अच्छे तेल कौन अंकन करवा आम अंकन करवाजे जमी आम एक्स गोटे रश्मि अंकन होमें आउ गोटे रश्मि अंकन करवा जोटा कि डी वाई रश्मि अंकन करवा जहाँकि कौन हम ए बी एक्स सहित समांतर हम से मान यो बी एक्स सहित समांतर करके आम आउ गोटे रश्मि अंकन करवा जहाँ को मु ना देली डी वाई ठीक अच्छे यहाँ डी एटा को देदेली वाई बी एक्स सहित समांतर करके आम डी वाई रश्मि अंकन कले तेल आम जहाँ अंकन कले तो सहीटा को प्रथम लिखि नवा तो सहीटा लिखिद बी एक्स सह समांतर करी आमे कौन अंकन कले डी वाई रश्मि अंकन कले तो डी वाई रश्मि अंकन करा गला बुझिपार तो तापरे प्रमाण करदे ताहले देखो आमे केमिति एटा को प्रमाण करुचे मना दे के देखिबो जहाँफल तुम्हें थरक बुझी जीव ठीक अच्छे ताहले आमे प्रथमे दुईटी त्रिभुज को नबा आमे नबा त्रिभुज ए ई एक्स ओ त्रिभुज ए डी वाई की नबा माने आमर ए ई एक्स त्रिभुज आउ ए डी वाई त्रिभुज को नबा ए जो छोटो त्रिभुजटा को नबा तापर एटा ए डी वाई त्रिभुज को नबा ठीक अच्छे ताहले ए डी वाई रे कौन हम मत कह आमर एक कोण सांगे एक कोण सामान हम कि नहीं जेहेतु यहाँ आम समांतर बोली आम अंकन करदे मान रश्मि सहित ए रश्मि आम जो समांतर जेहेतु समांतर यहाँ आम कोण दुईट सामान अनुरूप कोण होने आ सहित एक कोण सामान हम आउ आ सहित यपट कोण सामान हम कहीं आर अनुरूप कोण हूँ ये आर अनुरूप कोण हूँ ये बुझिपार तो सहीटा आम एवं लिखि नवा ठीक अच्छे लिखिद ए एक्स तो लिख ए ई एक्स सामान आमर ए डी वाई कोण जोटा कि कहीं सामान कहीं मैंने अनुरूप कोण तापर ए एक्स इ कोण सांगे ए एक्स इ कोण सांगे आमर ए वाई डी कोण सामान तो ए वाई डी जोटा कि यहाँ भी आम हूँ अनुरूप कोण ताहले आमर त्रिभुज दुईट सदृश हो गला तो सेटा लिखि दिया त्रिभुज ए ई एक्स सदृश त्रिभुज ए डी वाई कहीं जो आम कौ शर्त अनुजाई कोको सदृश शर्त अनुजाई आमर त्रिभुज आम सदृश बोली प्रमाण करदे ठीक अच्छे ताहले जेहेतु सदृश बोली प्रमाण करदे आम आर अनुरूप भाव समानुपाती बोली आम कहीपर तो इम्प्लायज दैट ए बाय ए डी माने ए बाय ए डी इक्वल टू कौन हम इ एक्स बाय डी वाई आम कहीपर तो सेटा लिखि दियो इ एक्स बाय डी वाई ठीक अच्छे ताहले देख इम्प्लायज दैट ए बाय ए जो एडीटा हूँ एडीटा आमर कहार दुई भाग माने एडीटा आमर ये एडीर मध्यबिंदु इ दे क्वेश्चन ने कि नहीं जेहेतु एडीर मध्यबिंदु इ दे आमर ए जी इडी भी से कहीं जेहेतु इटा हूँ आमर मध्यबिंदु आमर ए जी इडी से ताहले आमे डी जो एडी जगार कौन लिखिपर मत कह एडी जगार आम टू ए लिखिपर कि नहीं तुमको बुझेली देख आमर ए सामान इडी जे केते ए सामान इडी हूँ आमर टोटल एडी ताहले इम्प्लायज दैट ए प्लस ए जो इडी जगह आम ए लिखिपर कहीं ए इडी हूँ आमर सामान तुमको कहली ए जी इडी हूँ से इडी जगह आम ए पकईपर जोटा कि इक्वाल टू होगा एडी तो इम्प्लायज दैट टू ए जे केमर एडी बाहर तेल एडी भैल्यू आमर टू ए बाहर कि ना तो जो एडी जगह आम टू ए पकईपर तो एडी जगह मुझ टू ए पकईदेली ठीक अच्छे तापर आम कौन दे एक्स बाय डी वाई जो देखा सेमती रख जोटा कि इ एक्स बाय
डी वाई ठीक अच्छे। तापर देख ता पर स्टेप इम्प्लाइज दैट आम कौन करवा ना ये आमर कटुची देख ए कटिगला उपर रहा वन तेल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदे माने वन को डी वाई गुण जोटा कि डी वाई तापर टू को ईएक्स गुण जोटा कि आमर हो टू ईएक्स माने डी वाई इक्वाल टू टू ईएक्स आमर हो माने डी वाईटा आमर टू ईएक्स सागे आम सामान हम माने डी वाई रधा होमर ईएक्स बुझिपार तो यहीटा को देदे आमर इक्वेसन वन दे दियो। तापर आम आउ दुईट त्रिभुज को नवा कौ कौ त्रिभुज देख मुझे लिखुची आमर त्रिभुज सी डी वाई ओ त्रिभुज सी बी एक्स को नहीं जावा तेल त्रिभुज सी डी वाई आउ त्रिभुज सी बी एक्स रे कौन देखुच कहते मुझा लिभेली तेल ए दुईट त्रिभुज आमर कौन सामान हम मत कह सी डी वाई आउ सी बी एक्स माने कौन सी डी वाई ये जो छोट त्रिभुजटा तापर सी बी एक्स माने ये जो छोट त्रिभुज तापर ये जो सी बी एक्स त्रिभुज आमर कौ कौ कोण सामान हम मत कह तेल आर भी आमर एक कोण सागे एक कोण सामान हम आई कोण सागे एक कोण सामान हम कहीं होती अनुरूप कोण जेहेतु आमर डी वाईटा बी एक्स सहित सामांतर आमर एक कोण सागे एक कोण सामान हम कि ना देख मु तुमको कौ कोण कहूँ तुम बुझीपार कि ना आमर एक कोण सागे एक कोण सामान हम कहीं यहाँ हूँ अनुरूप कोण तापर आमर एक कोण सागे एक कोण सामान हम हम कि ना बुझिपार कहीं सामान हम कहीं ना होती अनुरूप कोण तेल से लिखि दि आमर त्रिभुज सी डी वाई आउ त्रिभुज सी बी एक्स आमर कोण सी डी वाई तो लेख कोण सी डी वाई सामान कौन सी बी एक्स कहीं सामान है यहाँ हूँ आमर अनुरूप कोण ठीक अच्छे। तो तापर स्टेप मुठी करदे ठीक अच्छे तेल एक कोण सागे एक कोण सामान आम लिखिदे सी वाई डी कोण सागे सी वाई डी कोण सागे आमर सी एक्स बी कोण सामान ये भी से अनुरूप कोण तेल एमर त्रिभुज दुईट सदृश बोली आम प्रमाण कर लिखिद अते त्रिभुज सी डी वाई सदृश त्रिभुज सी बी एक्स आमर कोको सदृश सर्त अनुजाई कोको सदृश सर्त अनुजाई आमर त्रिभुज दुईट सदृश बोली आम कहीपर तेल तापर स्टेप आम कौन करवाकर अनुरूप भाव को समानुपाति करदे तो इम्प्लाइज दैट लिखिपर आम सी डी बाय बी सी इक्वाल टू कौन हम सी डी बाय बी सी इक्वाल टू कौन लिखिपर आम लिखिपर डी वाई बाय बी एक्स लिखिपर लिखिपर कि ना तो लिखिद डी वाई बाय बी एक्स तेल इम्प्लाइज दैट सी डी को सी डी सेम रख सी डी बाय यो बी सी आमर अच्छे ये बी सीटा आमर अच्छे ये बी सी जगार आम कौन बी सी जगार आम टू सी डी लिखिपर कहीं आमर जो दत्तरे कौन देखिए दत्तरे देखिए त्रिभुज ए बी सी ए डी मध्यमा जेहेतु आमर ए डी मध्यमा आमर बी सी के से दि भागे भाग कर ना मैंने यहीटा जी ए बाहू जी आमर ए बाहू से जो देख बी सीटा हूँ आमर कौन बीडी प्लस सीडी बीडी प्लस सीडी तो इम्प्लाइज दैट बी सी इक्वाल टू ये जो बीडी जगह आम सी डी पकईपर कि ना कहीं बीडी सागे सी डी जेहेतु आम सामान आम बीडी जगह सी डी लिखिपर तो सी डी प्लस सी डी होगा तो इम्प्लाइज दैट बी सी इक्वाल टू आम बाहरी गला टू सी डी तेल बी सी जगह आम टू सी डी पकईदे ठीक अच्छे। तो इक्वाल टू एपटे जो अच्छे आम डी वाई बाय बी एक्स से सेमती रख जोटा कि डी वाई बाय बी एक्स तो यहाँ को मुझे लिभेली तेल तापर स्टेप देख आमर सी डी कटिगला ऊपर रहा वन तेल तापर या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया वन को बी एक्स रे गुण जोटा कि बी एक्स इक्वाल टू टू को डी वाई रे गुण जोटा कि टू डी वाई तो आमर बाहर बी एक्स इक्वाल टू टी टू डी वाई आमर बाहर बुझिपार तेल तापर स्टेप देख मुझे लिखुची बी एक्स को बी एक्स सेमती रख तो बी एक्स इक्वाल टू देख ये आमर डी वाई के बाहर टू ई एक्स बाहर ये जो आमर डी वाईटा टू ई एक्स बाहर आम ये डी वाई जगह डी वाई रैल्यू टू ई एक्स पकईदे तेल एटी टू को टू रख तो टू इंटु टू एक्स डी वाई रैल्यू टू एक्स पुणी तो टू इंटु जोटा कि यहाँ तुम इंटु एक्स सागे कन्फ्यूज हेनी जोटा कि इंटु एमती दे दूसरी ठीक अच्छे। तो टू इंटु टू एक्स तेल इम्प्लाइज दैट बी एक्स के बाहर बी एक्स आमर बाहर टू इंटु टू जे फोर होगा तो बी एक्स आमर बाहर फोर ई एक्स बाहरी गला बुझिपार
ताले आमे एबे कौन करिबा ना ता पर स्टेप देख जो बी एक्स इक्वाल टू फोर ई एक्स आमर बाहर ला इड़ा को आमे भांगी दबा माने आमे केमिति भांगी बा देख जोटा कि आमे याकु लेखि पारिबा फोर बाय वन इक्वाल टू आमे कौन लेख पारिबा बी एक्स बाय ई एक्स लेख पारिबा लेखि पारिबा कि नहीं देख तुम्हें जब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर आमर वन को बी एक्स गुणले बी एक्स फोर को ई एक्स गुणले फोर ई एक्स हो कि नहीं तो से भांगिक आम एमती लिखिदे फोर बै वन इक्वाल टू बी एक्स बाय ई एक्स बोली आम लिखिदे बुझिपार्च जोटा कि यहाँ आम कहीं भांगे ना कहीं आमको प्रमाण कराक हम जो बी इक्वाल टू थ्री एक्स तो से आम या भांगे यहाँ आमर केमी भंगा है बुझिपार तुम्हें जब आपको क्रस मल्टीप्लिकेसन कर तो जापर वन को बी एक्स गुणले बी एक्स फोर को ई एक्स गुणले फोर ई एक्स तो आम हो तो यहीटा को आम एमती भांगी दे तो आम कौन करवा ना सबुरे एपटे आमर वन माइनस करवा एमें वन माइनस करवा तो देख इम्प्लायज दैट फोर बाय वन माइनस वन इक्वाल टू बी एक्स बाय ई एक्स माइनस वन उभयपटे आम वन माइनस करदे तो इम्प्लायज दैट आम फोर बाय वन माइनस वन जे के जोटा कि हूँ आमर थ्री बाय वन जोटा कि आम थ्री बाय वन कि नहीं फोर बाय वन रु वन गले आम फोर बाय वन मैंने किसी ना जोटा कि आम फोर तले वन अच्छे मैंने किसी ना तो फोर रु वन गले आम थ्री बुझिपार्च तो थ्री इक्वाल टू आपको आम तले लसा को नहीं जाओ जोटा कि ई एक्स तले लसा को नहीं जाओ एपटे रत बी एक्स माइनस जोटा कि ई एक्स इंटु वन है इपटे आम ई एक्स तो बी एक्स माइनस ई एक्स ताल देख बी एक्स रु आम ई एक्स फेरले के बी ताल इक्वाल टू आम बी एक्स रु ई एक्स फेरले आम बी तो बी एक्स माइनस ई एक्स आम बी तो बी बाय ई एक्स बुझिपार्च ताल आम बाहर देख थ्री इक्वाल टू बी बाय ई एक्स बाहर ताल एबे तुम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया माने ई एक्स को थ्री रे गुणा और बी को एपटे आम कि ना मैंने वन अच्छी मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो ताल देख मुझा लिखुची इम्प्लायज दैट आमर बी को किसी ना मानने थ्री तले कि ना मानने वन गुण तो बी की वन गुणले आमर हम से बी तो बी इक्वाल टू ई एक्स को थ्री गुणि दि जोटा कि थ्री ई एक्स ताल देख आम यहाँ प्रमाण हो गला जोटा कि बी इक्वाल टू थ्री एक्स आम बाहरी गला बी इक्वाल टू थ्री एक्स बोली आम प्रमाण करदे समस्ते बुझीपार यहाँ आमर केमी प्रमाण है यहाँ तुम लास्ट को टी इम्पोर्टेंट स्टेप अच्छी तुम यू थे जब बुझीज तुम कर बुझीपार समस्ते जदि भी कौ स्टेप बुझीपार तुम कमेंट बक्स में पचारिपार कि आम टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन हो जाओ जहाँ जहाँ डाउट अच्छी तुम समस्ते पचारिपार ठीक अच्छे तेल आज क्लास में आम 15 नंबर आउ 16 नंबर कले तो आज क्लास रे हमें इतने करवा नेक्स्ट क्लास रे तुम्हारे 70 नंबर टू करना ठीक अच्छे तो आज क्लास टू जब भल लगे क्लास टू को लाइक कर दिता तो तुम फ्रेंड्स मान को शेयर करो आउ जदि चैनल नुआ अच्छे तो चैनल टी भी सब्सक्राइब कर दिता पाखे बेल बटन भी प्रेस कर दि जहाँफल नेक्स्ट क्लास मुझे जिते बड़े भी अपलोड करी तुम पाखे क्लास रे नोटिफिकेशन प्रथम जाइए पहुंची जा।